हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मयूर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हूँ जो NSTI के अंदर CITS कोर्स होता है उसमें POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके लेकर आया हूँ। आप पहला क्वेश्चन है, वो शब्द का नाम क्या होता है जो किसी कार्य की तैयारी के लिए कौशल और शिक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बी, व्यावसायिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस भाग का नाम क्या होगा जो कि कुशलता के परिदृष्टि में परिणामों की अनुरूपता को सुधारता है? तो इसका आंसर होगा ANCVT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस भाग का नाम क्या है जिसमें भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा DNSTI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में ITOT का गठन हुआ? आंसर होगा ए, जनवरी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर प्रशिक्षुओं यानी अप्रेंटिसशिप की फैक्ट्री में गणना की जाती है? इसका आंसर होगा सी, श्रमिकों की कुल दक्षता की 2.50% से 10% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति द्वारा बहुत बार दोहराई गई स्वैच्छिक कार्यवाही का क्या नाम है? आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गुण का क्या नाम है जो एक प्रशिक्षक को शीघ्र नियमित उत्साह दे सकता है अगर वह अपना स्वास्थ्य ठीक रखे? तो इसका आंसर होगा शारीरिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डीलिंग और हैंडलिंग में प्रशिक्षुओं के साथ निष्पक्ष होने का वह कौन सा गुण है जो एक प्रशिक्षक में होना चाहिए? इसका आंसर होगा नैतिक गुण होने बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को दिलचस्प बनाना जिसके तहत नियत है उस गुण का नाम क्या है? इसका आंसर है प्रशिक्षण के लक्षण, यानी पाठ्यक्रम को दिलचस्प बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नियत है, उसके गुण होते हैं प्रशिक्षक के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो शिक्षण के पहले प्राप्त संसाधन के आधार पर बनाई जानी चाहिए थी? जो भी हम पढ़ाते हैं वो पहले क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा योजना, यानी प्लानिंग होनी अनिवार्य है। अनिवार्य तो कैसे नहीं कह सकता हूँ मैं, यानी प्लानिंग होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के तरीके से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, यानी तैयारी में होते हैं वही पूछे जाते हैं? तो तैयारी या प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका क्या नाम है जो कि शिक्षण गतिविधियों में महत्वपूर्ण भाग है और प्रशिक्षक के स्वयं के आकलन में भी मददगार होगा? इसका आंसर है प्रतिक्रिया। 13 क्वेश्चन है, शिक्षा के उस शब्द का नाम क्या है जिसे व्यवस्थित रूप से आकलन के लिए जानी तेरह क्वेश्चन, शिक्षा के उस शब्द का नाम क्या है जिसे व्यवस्थित रूप से आकलन के लिए जानी समक्षरीय प्रवृत्ति की तरह परिभाषित किया गया? इसका आंसर होगा अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किस तरह की शिक्षार्थी उच्च उत्पादन को प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर होगा कौशल और इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनकर कान के माध्यम से सामान्य अधिकतम ज्ञान का प्रतिशत क्या है?
यह कितना होगा? तो 13%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्यक्तिगत अंतर उत्पन्न करने में किसका अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका आंसर होगा अनुवांशिकता। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।